दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर मुंबई, आज इस शहर में ट्रैफिक का लोड इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पहले से ही इस लोड को कम करने के लिए कई सारे मेगा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जैसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे और मुंबई ट्रांस हार्बर सीलिंग। इन सभी मेगा प्रोजेक्टों में से अभी हाल ही में 11 दिसंबर को मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के फेज 1 का उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है, जिसके बाद से महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुंबई में एक और प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जिसका नाम है अलीबाग बिरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर। और इसी कॉरिडोर के अंतर्गत अलीबाग से बिरार तक एक 14 लेन चौड़े एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है। मुंबई में इस कॉरिडोर को बनाने का मुख्य उद्देश्य शहर में ट्रैफिक के लोड को कम करना और जेएनपीटी पोर्ट से आने वाले हैवी कार्गो व्हीकल को शहर से बाईपास क्रॉस कराना है। और इसके साथ ही मुंबई में बनने वाले सभी मेगा प्रोजेक्ट को इस एक्सप्रेसवे से किसी न किसी तरह से कनेक्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अलीबाग बिरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर के बारे में। यह कॉरिडोर कैसा होगा, इसका क्या रूट होगा, यह किन किन हाईवेज और एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा और लास्ट में जानेंगे इस एक्सप्रेसवे की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर रेडी हो जाइए वीडियो को एंड तक देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का डीआर इंफ्रा टीवी की एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अलीबाग बिरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर के अंतर्गत 127 किलोमीटर लंबे और 14 लेन चौड़े एक ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है, जिसे एमएसआरडीसी की देखरेख में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे पहले परिकल्पना 2008 में की गई, जबकि 2012 में महाराष्ट्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद 2020 में इसे एमएसआरडीसी को हैंडओवर कर दिया गया, परंतु किसी कारणवश अभी तक इस प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है और देरी होने के कारण इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 55,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, यह कॉरिडोर रायगढ़, ठाणे और पालघर के 3 जिलों से होकर गुजरेगा, जो मुंबई महानगर क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो 127 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे NH8 भिवंडी बाईपास, NH3, NH4, NH4B मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और NH17 को कनेक्ट करेगा। MSRDC के द्वारा 127 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। इसके पहले फेज में नवघर से बलाबली तक 98 किलोमीटर लंबा एक रूट है, जबकि इसके दूसरे फेज में 29 किलोमीटर लंबा बलाबली से अलीबाग तक एक खंड है। दोस्तों, अगर भूमि अधिग्रहण की बात की जाए तो इस एक्सप्रेसवे के लिए पालघर में 61.29 हेक्टेयर, ठाणे में 520.92 हेक्टेयर और रायगढ़ में 765.01 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। दोस्तों, अलीबाग बिरार मल्टी मॉडल एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद जेएनपीटी पोर्ट से निकलने वाले कार्गो वाहन इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के जरिए नवी मुंबई और ठाणे जैसे इलाकों को बाईपास क्रॉस कर पाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं इस एक्सप्रेसवे की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एमएसआरडीसी के द्वारा इस एक्सप्रेसवे के लिए जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है, जबकि जून 2021 में एमएसआरडीसी को चिरनेर से बलाबली तक 18 किलोमीटर के खंड के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा एमएसआरडीसी ने नागर चिरनेर खंड की मंजूरी के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सितंबर 2022 में आवेदन कर दिया है। एमएसआरडीसी के द्वारा इस कॉरिडोर को 2030 तक पूरा करके पब्लिक के लिए ओपन करने की बात कही जा रही है और जल्द ही एमएसआरडीसी के द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर ओपन किए जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।